ताशकंद वैसे तो राजधानी है उज़्बेकिस्तान की, पर हिंदुस्तानी जहन में ये शहर हमेशा इस बात के लिए जिंदा रहेगा कि वहां देश ने अपना सबसे खास प्रधानमंत्री खोया, लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद से जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर 10 जनपद में लाकर रखा गया तो श्रद्धांजलि देने वालों की एक विशाल भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि नियंत्रण मुश्किल हो रहा था। न तो लोग खुद अनुशासन का पालन कर रहे थे और न ही गेट पर खड़े गार्ड की बात पर ध्यान दे रहे थे। जब हालात काबू से बाहर होने लगे और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी ने गेट पर खड़े गार्ड से जवाब तलब किया तो गार्ड बड़ी लाचारी से रोता हुआ बोला, मैं क्या करूं साहब, कोई सुनता ही नहीं, जिसको रोको वही बिगड़ जाता है। ये कहता हुआ कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे पहचान नहीं रहे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब आप ही बताओ साहब कि मैं क्या करूं। अरे कोई इनको ये समझाए कि जिसके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं, अगर वो खुद इनकी जगह पर आए होते तो ना तो मुझे रोकने में संकोच होता और ना ही उन्हें रोके जाने पर रुकने में। जैसा कहता बिल्कुल वैसा करते हुए। ऐसा विश्वास था एक आम आदमी का आम लगने वाले अपने इस खास प्रधानमंत्री के लिए, विश्वास के मुझ में और मेरे प्रधानमंत्री में कोई फर्क नहीं। शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई तो उनके नाम पर ना तो कोई घर था और ना ही एक इंच जमीन। हाँ, 5,000 रुपए का एक लोन जरूर था जो उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 1 साल पहले अपने परिवार के लिए एक फिएट कार खरीदने के मकसद से लिया था। कार 12,000 की थी और उनके पूरे जीवन की जमा पूंजी महज 7,000, और लोन के अलावा कोई चारा नहीं था। मृत्यु के बाद सरकार ने लोन माफ करने की तमाम पेशकश भी की, पर एक खास की तरह बर्ताव करने का मिजाज न तो शास्त्री जी का ही था और न ही उनकी पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री का। आम बने रहना आदत थी उनकी, और आम बने रहते हुए ही उन्होंने अगले 4 साल तक अपनी पेंशन से उस लोन को चुकाया। इसीलिए हमेशा से विश्वास रहा है एक आम आदमी का आम लगने वाले अपने इस खास प्रधानमंत्री के लिए कि मुझ में और मेरे प्रधानमंत्री में कोई फर्क नहीं। ताशकंद शास्त्री जी 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद गए थे। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल अयूब खां के साथ शांति समझौता होना था। समझौते के तुरंत बाद करीब 2 बजे उनकी मृत्यु हो गई। 2:30 बजे के करीब जब जनरल अयूब खां आए तो वो भी ये कहने से खुद को रोक नहीं पाए कि हेयर लाइज अ पर्सन हु कुड हैव ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर। यहाँ एक ऐसा आदमी लेटा हुआ है जो भारत और पाकिस्तान को साथ ला सकता था। बात चाहे दुश्मन के दिल में जगह बनाने की हो या फिर जंग के मैदान में मुंह तोड़ टक्कर देकर सबक सिखाने की हो, बहुत खास उपलब्धियां थी आम आदमी के आम लगने वाले इस बेहद खास प्रधानमंत्री की। जंग के बाद अमन की राह में खुद को कुर्बान कर देने वाले लाल बहादुर की, हम सबके शास्त्री जी की। मनाओ जश्न मोहब्बत के खून की बू न रही, मनाओ जश्न मोहब्बत के खून की बू न रही, बरस के खुल गए बारूद के सिया बादल, बुझी बुझी सी है जंगों की आखिरी बिजली, महक रही है गुलाबों से ताशकंद की शाम। इसी में सुबह तमन्ना नहा के निखरेगी, किसी की जुल्फ न अब शाम गम में बिखरेगी, जवान खौफ की वादी से अब न गुजरेंगे, जियाले मौत के साहिल पे अब न उतरेंगे, बस इतना होगा ये धरती है शह सवारों की, जहाने हुस्न के गुमनाम ताजदारों की, ये सरजमी है मोहब्बत के ख्वास्तगारों की, जो गुल पे मरते थे शबनम से प्यार करते थे, खुदा करे के शबनम यूं ही बरसती रहे, जमी हमेशा लहू के लिए तरसती रहे, जमी हमेशा लहू के लिए तरसती रहे।